हेलो, आप सभी को डीजे सार्जन प्रोडक्शन में और एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज जो फिटिंग होने वाला है 315 का कार्ब मॉडल, और भैया जहां से हैं वहां से पूछते हैं कहां से आए हैं। भैया आपको सब देख रहे हैं, तो कहां है आपका एड्रेस, जहां जाएगा? राज धनवार बरवाड़ी। तो राज धनवार से जितना भी जन यहाँ से हमको बुकिंग करने के लिए बोलते हैं, तो आपको आपके क्षेत्र में एक हैवी सेटअप इसके बाद से जा रहा है। भैया का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप थोड़ा हमको याद दिला दीजिएगा, आपका नंबर वहाँ दे देंगे, तो वहाँ का जितना भी कस्टमर है आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और चलते हैं, भैया का कितना हैवी सेटअप है, क्या है, थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखाते हैं। सारा का सारा स्पीकर 1000 वाट का है, आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ये यहाँ से एकदम लास्ट तक सीरियल तक। 315 का कर्व मॉडल, जो अभी जितना भी अधिकतर हैवी सेटअप में देखते हैं 15 इंची में, 315 का कर्व मॉडल ही अभी तक का सबसे ज़्यादा सक्सेस अभी आ रहा है इस साल। स्पीकर ऑडियोटोन 1000 का 24 पीस स्पीकर हो रहा है। और यहाँ पर एक स्पीकर का देखते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन। एक स्पीकर को घुमाओ, आराम से घुमाना, भारी है, बस वैसे ही रहो। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 वाट का स्पीकर है, इसका पावर मैक्स जो पीक पावर है वो 2000 वाट है। स्पीकर में अलग से हीट सिंक है ताकि ये ज़्यादा गर्म होने से उसको बचाए। बाकी 4 इंची कोयल है 8 ओम्स जो हर स्पीकर रहता है टैग के साथ। और लगभग इधर हो चुका है, उधर और एक 800 वाट का फिटिंग होगा, तो वो थोड़ा सा लेट से आएंगे। और ये लगभग फिट हो चुका है सारा का सारा स्पीकर। स्टील का स्क्रू यूज़ होता है ताकि ये स्लिप ना करे और ये बाहर ना निकल जाए। और इसका डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ऐसे नॉर्मली दूसरा कैबिनेट से, क्योंकि ये स्पीकर ये कर्व वाला स्लोप में चलता है इसीलिए। और भी वहाँ पर कस्टमर आए हैं, उनका भी फिटिंग है जो बाहर दिखाए थे। इधर आपका लायन जाली, और अभी आपको नाम लिखने का जगह यहाँ पर छोड़ा हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं 3 लायन का जो कॉम्बिनेशन है। और इधर आपका लायन जाली लग चुका है, और इधर 40 का भी का डीजी, और यहाँ पर देख सकते हैं और विजन वहाँ पर वेटिंग में है सुनने के लिए। इसको सीधा और ये 40 के भी डीजी को थोड़ा सा दूरी लेके जाएंगे, और उसी से अभी वाला जो हैवी सेटअप है उसको टेस्ट करेंगे। चार आदमी कम से कम ये सेटअप में तो चाहिए मिनिमम, यानी एक बॉक्स को, क्योंकि 2 आदमी से भी उड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे हाइट उठाने का रहता है तो उस समय थोड़ा सा आदमी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा सा जब हाइट होता है तो आप लोग को इस तरह से लोड करना है, बस वहाँ पर सटाइए और इसको उठा के उसको पूरा रगड़ दीजिए। कैबिनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, आप जितना भी रगड़ सकते हैं। हाइट चौड़ाई इधर स्टैंडर का 4K, इसमें 4 सीरियल में 4 ठो 4K लगेगा, 2 ओम्स और 8 ओम्स के बीच में रन होगा, जिसके लिए आपका स्टैंडर ही स्टेबल है, दूसरा एम्पलीफायर स्टेबल नहीं है। जो वीडियो में बहुत सारे वीडियो में जो कमेंट करते हैं तो उनको एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये जो सेटिंग है 3 दिन 6 स्पीकर, इसके लिए स्टैंडर ही स्टेबल होता है,
या तो बहुत हैवी एम्पलीफायर आपको लेना पड़ेगा, 6000 या 8000 का कोई भी एम्पलीफायर में ये नहीं चल सकता है। लेकिन 4K में इसलिए चलता है क्योंकि ये क्लास AB का है और ये स्टेबल है ये वाला सेटिंग में, और ये कोई किताब कॉपी के आधार पर नहीं बता रहा, जो अपना भी लाइफ में एक्सपीरियंस है जिसको चलाए हैं उसके आधार पर ही बताते हैं, और जिनको जिनको डाउट है वो आके हमारे यहाँ पर आके मिल सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं हम लोग को। लेकिन जो भी कमेंट वगैरह में जो भी ज्ञान देते हैं तो हल्का नॉलेज लेके ज्ञान मत दीजिएगा आगे से, अगर क्या होता है मैच होता है नहीं मैच होता है। अभी तो आप लोग नया नया शुरुआती किए हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी कंपटीशन काफ़ी एक्सपीरियंस के आधार पर ही किसी को देते हैं। और अभी आज से नहीं, आज से करीबन 5-6 साल पहले से भी जो सेटअप लेके गया यही सेटिंग में बजा रहे अभी तक, उनका कोई भी सामान में नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, जैसे स्पीकर का वाटेज ज़्यादा है तो आपके उसी के आधार पर भी उसको करंट सप्लाई भी देना होगा। ये नहीं कि 4 मशीनें 16000 वाट है तो 16000 वाट में एक 20 kV या 10 kV 15 kV दे दिए हो जाएगा। ये 4000 में 4x4000 आपका 4x4 15 में भी लगता है जो 16 स्पीकर का सेटिंग में, और ये 24 स्पीकर का सेटिंग में भी लगता है। लेकिन जब ये 16 स्पीकर बजाएगा तो उस समय आपको 15 kV से 20 kV का इंजन मांगेगा, लेकिन जब इसमें 24 स्पीकर बजेगा तो उस समय आपको करीबन 25 से 30 kV का इंजन देना होगा, जैसे आपका एम्पेयर ड्रॉप ना हो। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान देना है, जो भी जहाँ से भी ले रहे हैं वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन इस सिस्टम से बजाइएगा। अभी जितना सिस्टम आ रहा है आपका लो कट फिल्टर स्विच, जो ये वाला स्विच, तो हमेशा से बोलते हैं ये कोई बहुत खास ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये स्विच तो दिया है कंपनी, अगर आप ऑफ़ करके चलाइए ऑन करके बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 300 है, यानी कंपैरिजन में डैम्पिंग फैक्टर कम है, इसीलिए उतना कोई खास समझ में नहीं आता है। तो जो भी ले रहे हैं कहीं से भी ले रहे हैं तो इसको उतना ज़्यादा सीरियस ना लें। और इधर बाकी चौथा नंबर एम्पलीफायर, ये भी अनबॉक्सिंग हो रहा है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे कस्टमर बाहर से आए हुए हैं। इधर जाते हैं अभी, यही सेटअप को दूर से टेस्ट करके आते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं वाइब्रेशन कैसा था अभी जो सामने। जबरदस्त। चलिए भैया लोग नए हैं अभी, भैया लोग बोल दिए तो वही काफ़ी है, बाकी जो सामने रहेगा उसी को पता चलेगा। और इसका जब पूरा फुल वीडियो अभी लास्ट में देखने को मिलेगा आपको, वाइब्रेशन उसी समय ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी फिर से आ चुके हैं, काफ़ी दूर आए हैं, घुमा देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वहां पर पीला कलर का दिख रहा है, पूरा का पूरा एरिया इधर आपका खुला है और इस सेटअप में तो काफी दूर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना दूरी है, काफी दूरी, वहां पर ढंग से अपना गाड़ी भी नहीं दिख रहा, गाड़ी इतना छोटा दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो।